और यहाँ पे बहुत ट्राई लैक्मे का आईब्रो सेट करने जाए, आईब्रोज भी बिल्कुल सेट हो, फैलता भी नहीं है। तो ये देखिए बैक टू माय चैनल, मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में इंडियन मॉम से यहाँ जर्मनी में। अभी आप मुझे देख रहे हो कि मेरे बाथरूम के अंदर, तो आप सोच रहे हो कि मैं आप बाथरूम में खड़ी होकर क्या कर रही हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपना मेकअप वीडियो शूट करना चाहती हूँ, नॉट एग्जैक्टली मेकअप वीडियो, बट ये मेकअप वीडियो ऐसा है जो मिनिमम मेकअप होता है जब कहीं अच्छे जगह जा रही हूँ या किसी के घर जा रही हूँ, किसी ने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं क्या क्या मेकअप करती हूँ वो चीज़ के बारे में बताऊँगी। बहुत मिनिमम करती हूँ मैं मेकअप, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे नहीं आता और ना ही मुझे करना पसंद है, तो मैं बहुत मिनिमम करती हूँ। तो आप समझ सकते हैं एज अ बिगिनर को भी ये चलेगा, मेकअप करती हूँ मैं अपना बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कितनी टेक्निक सही है क्या नहीं है, तो प्लीज़ अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिए और मेरे साथ शुरू करते हैं ये मेकअप वीडियो। तो अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मॉइस्चराइज़र निकाल के रखा है। पहले मैं अपना फेस को, मेरे फेस पे कोई भी अभी कुछ भी नहीं है, तो पहले मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी अपने फेस को। मॉइस्चराइज़ करने के बाद ये मैंने मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो मेरे यहाँ पे बहुत ड्राई होता है और यहाँ पे बहुत ड्राई होता है, तो मैं यहाँ ज़्यादा लगा रही हूँ। थोड़ा थिक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मैं थोड़ा थिक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मैंने मॉइस्चराइज़र लगवा लिया और अभी साथ ही साथ मैं अपना लिप बाम, क्योंकि हम लिपस्टिक लगाएंगे तो लिप बाम लगा लेती हूँ थोड़ी देर में, तो थोड़े लिप्स भी मॉइस्चराइज हो जाएंगे। फेस मॉइस्चराइज़र और लिप बाम, ये मैं अभी इसको इसके ऊपर जो मैं लगाऊंगी, तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ लैक्मे की, मेरे पास सारा प्रोडक्ट सारा लैक्मे का मिलेगा। मैं और कोई प्रोडक्ट यूज़ कर, मेरे स्किन पे शायद सूट नहीं करते क्योंकि पहले से लैक्मे की आदत है। तो ये एक लैक्मे का फाउंडेशन है जो मैं बेसिकली इंडिया से हर साल जाती हूँ, तो हर साल इंडिया से लेकर आ जाती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं होता, मैंने आपको बताया मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसे, पर दो साल में एक बार इसे चेंज कर देती हूँ, चाहे जितना भी बचा हो तो उसे मैं थ्रो कर देती हूँ, फेंक देती हूँ और दूसरा खरीद देती हूँ। तो ये इस बार ये वाला लिया है, अदरवाइज़ वो पीली छोटी सी ऐसे पतली वाली बॉटल आती थी वो लेती थी। मैंने इसका 9 to 5 भी यूज़ करके देखा है, बट वो मेरे स्किन पे पता नहीं बहुत क्रैकी हो जाता है, केकी टाइप का लगने लगता है, तो मैं वो भी यूज़ नहीं करती। ये बहुत लिक्विड ही रहता है तो मुझे बहुत हल्का और बहुत सटल मेकअप लुक देता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं इसे ले लेती हूँ, अभी मैं इसे हाथ से रब करूँगी। कई लोग ब्रश वगैरह से डैबिंग करते हैं, ब्रश से करते हैं, तो मैं अपने हाथ से मेकअप करती हूँ, मेरे हाथ से फाउंडेशन लगाती हूँ। मैंने ऑलरेडी मेरा हाथ सैनिटाइज वॉश सब कर लिया है, मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है, तो अभी मैं ये फटाफट हल्के हाथ से ऐसे ऊपर की तरफ ले जाके ऐसे लगा लूँगी। देखिए सटल और हल्का टिंटेड लुक देता है बहुत ज़्यादा। कभी मुझे ये, इसलिए मुझे ये लैक्मे का ये वाला जो फाउंडेशन बहुत पसंद है, बहुत सटल लुक देता है और मैं पहले से ही यूज़ करती हूँ, तो मेरे बहुत फ्रेंडली, मतलब बोल आप बोल सकते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है ये, और इसके जगह पे मैं और दूसरा कुछ ट्राई भी नहीं करना चाहती। मैं तुरंत के तुरंत लिपस्टिक लगाती हूँ, मुझे पता है ये रॉन्ग स्टेप है, पर मुझे अपने फेस पे तुरंत लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे समझ में आता है बाकी मुझे क्या करना है, तो ये लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं। तो ये मैंने आपको दिखाया था मेरे पिछले कुछ मेकअप जो मैंने परचेज किया था उस वीडियो में, कि मैं कौन सा लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये देखिए, ये मेरे को, मुझे समझ में आता है मुझे मेरे चेहरे पे और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो बहुत लोग बोलेंगे मैं गलत स्टेप कर रही हूँ, बट आई नो ये मेरा था, मुझे ऐसे ही मेकअप करना अच्छा लगता है। तो ये अब मैं अपने ब्रोज बनाऊँगी, मेरे ब्रोज बहुत यहाँ पे बेसिकली इन जर्मनी मैं बहुत, मैं पार्लर तो कभी जाती नहीं हूँ और 6-1 महीने में मैं एक बार आईब्रोज सेट करने जाती हूँ, अदरवाइज वो भी नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी तरह आईब्रोज शेपलेस कर देते हैं,
तो मैं अपने आईब्रोज पे ये जो आईब्रोज सेट होता है उससे थोड़ा बहुत सेट कर देती हूँ तो अच्छा लुक दे देता है, तो वो कर लेती हूँ मैं। तो मैं पहले जो ये जो ब्रश आता है, ऑलरेडी ब्रश आता है, उससे पहले स्टोव बना लेती हूँ, ऐसे थोड़ा स्टोव बना लेती हूँ, शेप दे देती हूँ। तो देखिए ये मैंने सिर्फ हल्का सा एक शेप दे दिया है, सेम चीज में करूंगी मैं। ये देखिए मैंने एक स्ट्रोक मतलब एक शेप बस दे देती हूँ, तो उससे कैसे चेहरे में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब मैं आपको अपनी आँखों के ऊपर मैं क्या क्या लगाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो अभी देख सकते हैं मेरे आईब्रोज भी बिल्कुल सेट हो गए हैं। बहुत हल्का सा हाथ से करना पड़ता है, बिकॉज़ फिर अगर बहुत ज़्यादा लगा दे तो बहुत आर्टिफिशियल दिखता है, और मैंने जैसे बताया मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत नेचुरल मेकअप मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अब ये है लैक्मे का काजल है। मेरे सारे आपको जो मेरे मेकअप सेट में जो भी चीज़ें हैं वो लैक्मे की ही ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि मैं लैक्मे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो ये लैक्मे का काजल है, मैं काजल से इसको ड्रॉ कर लूँगी पहले अपने। तो ये देखिए ये है मेरे काजल का, काजल लगा लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ये लाइनर लगाऊंगी, ये यहाँ पे ही लेती हूँ, जर्मनी का प्रोडक्ट है ये, और मैंने दिखाया है कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया, और बहुत अच्छा है। 24 आवर्स स्मज नहीं होता बोलने के लिए, बट 6-8 घंटा तो आराम से बिल्कुल स्मज नहीं होता। तो ये मैं अपने जो लोअर आईलेड है उस पर लगा दूँगी, तो इससे क्या होगा कि मुझे एक मोटा काजल का लुक भी आ जाएगा और ये फैलता भी नहीं है। ये देखिए तो ये मेरे काजल का रियल तरीका है। मैं सिर्फ ऐसे ही काजल लगाती हूँ, मैं पेंसिल को हल्का स्ट्रोक मार देती हूँ, फिर इससे मेरे जो आईलाइनर है उसी से लगाती हूँ। पहले मैं लैक्मे का ही आईलाइनर यूज़ करती थी, अब यहाँ पे आने के बाद इसको ट्राई किया तो मुझे ये बहुत पसंद आया। देख सकते हैं मेरे काजल बिल्कुल अच्छे से लग गया है। अपने अपर आईलिड पे थोड़ा सा लाइनर लगाऊंगी, जो कि फिर मेरी आंखों का शेप अच्छा आ जाएगा। मुझे अपने आंखों का शेप फिर अच्छा लगता है, मैं इसको ऐसे करके फिर लगाती हूँ। तो ये देखिए अब मेरी प्रॉपरली आंखों का शेप प्रॉपरली आ जाता है। तो मुझे एक्चुअली यही तरीका है पसंद है, जो भी बोल लीजिए आप आई मेकअप, हालांकि लोग आई शेडो वगैरह सब कुछ लगाते हैं, बट मैं आई शेडो अपनी लास्ट शादी में लगाया था, शादी के बाद मैंने आज तक कभी आई शेडो लगाया नहीं है। मुझे आता भी नहीं है, और सच बोलूँ तो मुझे पसंद भी नहीं है, मुझे सीखना भी नहीं है, क्योंकि मुझे इतना आंखों के ऊपर जो आई शेडोज होते हैं वो मुझे इतना पसंद नहीं है, वो अपनी मेरी पर्सनल चॉइस है। मुझे लिपस्टिक फाउंडेशन थोड़ा लगा लिया, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा लिया, काजल लगा लिया, शेप कर लिया आईब्रोज का, तो ये बेसिक नेचुरल मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही मेकअप मैं करके चलती हूँ, और मुझे शादी में जाना रहा, किसी के घर जाना रहा, इनवाइट पूजा वगैरह सब मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं करती उसमें, मतलब मुझे देखिए एक स्ट्रोक मार दिया, दैट्स ऑल, यही तरीका है, मुझे पसंद है। लैक्मे का कॉम्पैक्ट जो एज यूजुअल फिर से लैक्मे मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितने बार भी मैं इसकी तारीफ करूँगी कम है। तो ये अब मेरा ये ऑलमोस्ट सारा सब कुछ हो गया, तो इसके ऊपर मैं इसको डैप कर लूँगी एक बार, जो कि सब कुछ सेटल हो जाए। देखिए इसको ऐसा ऐसा डैप कर दूँगी हल्का सा, जो कि मेरा फाउंडेशन वगैरह जो भी है वो बिल्कुल सेट हो जाए। मैं आपको
के नीचे थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ कि अगर पसीना वसीना आ रहा है तो मेरे काजल या लाइनर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। ये मैं तैयार हो गई हूँ, आई एम रेडी नाउ। मैं बालों को कॉम करके फिर आपसे मिलती हूँ। मेरा फाइनल लुक यही है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं जो ऐसे ही तैयार होना पसंद है। और आप ये जो पिंपल्स देख रहे हैं वो अब हुए हैं मेरे चेहरे पे, इसके पहले आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कुछ दवाइयाँ ले रही थी जिसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है मेरे फेस पे, तो उसे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी फ़िलहाल ऐसा ही लुक है मेरा। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसके बाद। ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं लगाती चेहरे पर, ये आखिरी प्रोडक्ट है। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ी देर, तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल नेचुरल लाइट्स में मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा चेहरा बिल्कुल ही क्लीन और सटल लग रहा है, बहुत ही मिनिमम मेकअप के साथ। आप ये मेरा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं।